लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव इन दिनों गुस्से में हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से जगदानंद सिंह पर और संजय यादव जो कि तेजस्वी के खासम खास है उसको लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और अब तेज प्रताप यादव ने सीधे सीधे धमकी दे डाली है और अब कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की बेचैनी बढ़ गई है। क्या कुछ पूरा मामला है आपको हम विस्तार से बताएंगे। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव फिर अपने बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर मुसीबत में हैं। तेज प्रताप आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह तथा तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। उधर तेजस्वी ने दो टूक कहा है कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बावजूद झुकने को तैयार नहीं तेज प्रताप ने अब दिनकर के काव्य संग्रह रश्मि रथी के तृतीय सर्ग कृष्ण की चेतावनी के माध्यम से पार्टी महाभारत के जंग की चेतावनी दे डाली। तेज प्रताप रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों से राखी बंधवाने दिल्ली गए थे। बताया जाता है कि वहां उन्होंने समझाने की कोशिश की गई लेकिन वे अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उन्होंने आज भी समझाने की कोशिश की जाएगी। खुद को अपने अर्जुन का कृष्ण बताने वाले तेज प्रताप यादव ने राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कविता कृष्ण की चेतावनी को पोस्ट कर स्पष्ट संदेश दिया है कि वे झुकने को तैयार नहीं है। कविता स्पष्ट करती है कि तेज प्रताप ने सुलह की पूरी कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। जब मानव का नशा काल आता है तब उसका विवेक मर जाता है। कविता के माध्यम से तेज प्रताप ने अब महाभारत के युद्ध की अंतिम चेतावनी दे डाली है। जिस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव के सलाहकार पर और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर जो है बयानबाजी कर रहे हैं तेज प्रताप यादव, तो कहीं ना कहीं अब खुली चुनौती दे दी है कि जिस तरीके से कवि रामधारी सिंह दिनकर की जो कविता है उसको लेकर उन्होंने टैग किया और खुले तौर पर चुनौती दे दी है कि जिस तरीके से वो लगातार मांग कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर कार्रवाई की, अगर वो कार्रवाई नहीं की जाती है। हालांकि जब बीते दिन वो दिल्ली गए थे और दिल्ली में अपनी बहनों से राखी बंधवाने गए थे, हालांकि वहां लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात हुई, लालू प्रसाद यादव ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की लेकिन वो भी नाकाम रहे। तो कहीं ना कहीं आरजेडी में जो कहा जाए तो महाभारत की स्थिति पैदा होने वाली है। तेज प्रताप यादव का यह कहना है क्योंकि वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जगदानंद सिंह पर कार्रवाई हो लेकिन तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने यह ट्वीट करके जानकारी दी है और यह कविता के माध्यम से कहा गया है कि अब महाभारत की स्थिति हो गई है, तो आगे पार्टी में क्या कुछ होता है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव जो है वो आज मुलाकात किए हैं और अपने जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, लेकिन इन तमाम मुद्दों पर अभी विराम लगा हुआ है। तेज प्रताप यादव को समझाने की कोशिश लगातार की जा रही है लेकिन तेज प्रताप यादव अपने उस बात पर अड़े हुए हैं और लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जो जगदानंद सिंह हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने यह उन जो तेजस्वी यादव के खासम खास हैं उन पर भी यह बयान दिया था कि संजय यादव जब तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे तो संजय यादव के द्वारा जो है उनको रोका गया था, यह भी तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया था। तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और इसको लेकर अब तेज प्रताप यादव ने कहा है कि महाभारत की स्थिति हो गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल में क्या कुछ उठा पटक होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके का बयान तेज प्रताप यादव के द्वारा दिया गया है वे कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है। और भी अपडेट्स देंगे बनेश फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।